नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुजेट। दुकानदार ने मंडी सचिव पर लगाया गाली गलौज व पत्नी के साथ अभद्रता करने का आरोप। खबरों में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ की, जहां की स्थानीय मंडी स्थल के एक दुकानदार द्वारा उप जिला अधिकारी सहित अन्य आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर मंडी सचिव पर गाली गलौज, अभद्रता तथा जबरन दुकान खाली करवाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नगर के मोहल्ला पटेल नगर निवासी मुख्तार पुत्र ननहोनू द्वारा उप जिला अधिकारी बांगरमऊ, जिला अधिकारी उन्नाव, पुलिस अधीक्षक उन्नाव तथा कृषि उत्पादक निदेशक लखनऊ को शिकायती पत्र भेजकर कहा गया है कि वह नगर की मंडी परिसर में रोशन फ्रूट कंपनी के नाम से संचालित दुकान पर बैठा था। तभी 29 फरवरी सुबह करीब 9 बजे मंडी सचिव द्वारा अन्य साथियों के साथ दुकान पर पहुंचकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दुकान खाली कर देने का दबाव बनाया गया तथा सहयोग हेतु दुकान पर आई पत्नी के साथ भी अभद्रता की गई। पीड़ित द्वारा दुकान का मामला कोर्ट में लंबित होना बताते हुए मंडी सचिव पर आए दिन अभद्रता व गाली गलौज का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। समाचार टू जेड के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं? नंद गोपाल मिश्रा नाम है, मंडी समिति में हमारी दुकान है। हालत क्या मामला है आपका? सचिव महोदय ने हमारे ऊपर झूठा हरिजन लेख लगवा दिया, हमारी पत्नी के विषय में भद्दी भद्दी बातें कहता है और इसे हम लोगों को बहुत परेशान करता है। जब देखो तो पैसे की मांग होती रहती है सचिव महोदय द्वारा। ये सब समस्याएँ हैं, हमारा लाइसेंस रिन्यू नहीं आजीवन करते ही, हमेशा धमकी दिया करते, घूस लेने में गेट पास काटने में रुपये रुपये लेते हैं, सबको परेशान करने का नियत है। मंडी समिति के व्यापारियों को बहुत परेशान कर, इनसे हर व्यापारी बहुत पीड़ित है।